हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप देखते रहेंगे बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है आपको। इधर है। अच्छा, मेरा तो फ़ोन भी बार बार आ जाता है। चलो, फ़ोन तो मैंने अपना काट दिया। मैं यहाँ बैठी हूँ क्योंकि ये सारे बच्चे अपने स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। मैं तो नहा ली हूँ। आए तो हम कल थे मायके में। तो जब हम कल आए थे ना, तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। मैंने क्या, आते तो रहते ही हैं, घर जाके व्लॉग बनाएंगे और ज़्यादा नहीं, लेकिन एक व्लॉग तो मेरा यहाँ का हो जाएगा। तो हम कल रात आए थे, कितने बजे आए थे, 6 बजे आ गए थे हम। तो यहाँ पे बैठे घर के बाहर, इन्होंने मुझे निकाल दिया। बच्चे इधर नहा रहे हैं और इधर जो है अभी टाइम हुआ है 10 बज गए होंगे ना भाभी, 10 बज गए होंगे ना, 10:30 बजे का टाइम है। भाभी इधर सफाई कर रही है और हमको बाहर निकाल दिया। अब बच्चे इधर देखो। चलो नहा लो। मैं नहा ली हूँ, बच्चे नहा रहे हैं। ये इसका पता नहीं नहाई है कि नहीं नहाई है। मम्मी हमने किचन में लगा दी है, भाभी काम कर रही है। अब हम नहा लिए, हमें जो ला के देना वो दे दो, खाने को तैयार बैठे हैं भाई। एक बार की चाय तो हो गई मेरी। अब आपको पता ही, मैं 2 बार भी चाय पीती हूँ। तो चाय यहाँ भी पीऊँगी ना, यहाँ तो ज़्यादा पीऊँगी। एक एक गाय में नहीं, एक गाय यहाँ पे मेरे नाम की है, एक गाय इसके नाम। तो हमें समय समय पर आना पड़ता है, अपना जो चाय दूध घी सारा समेटने के लिए। तो बस हम वही काम करने आए, और कुछ करने नहीं आए। थोड़ी नेल पेंट लगा लो, मैंने नेल से देखो कैसे हो रहे हैं। नेल पेंट लगाएगी क्या तू? मेरे पास नहीं है अभी ऐसे कोई अच्छे कलर। नेल पेंट लगा ली मैंने। मम्मी क्या लाई? लड्डू। ये लड्डू मिल रहे हैं यहाँ तो। बयान लड्डू, बयान का तो लड्डू ही, लड्डू फेवरेट है। बयान तो लड्डू ही खाएगा आजकल। किसी को ना किसी की जरूरत। बियान मायरा तो सो ही गए थे कल मुझे छोड़ के। मुझे नींद नहीं आई भैया आपके बिना। हाँ जी, और मुझे नींद नहीं आई। हाँ बेटी, कपड़े कहाँ? कपड़े वही सोफे पे रखे हैं मम्मी। मायरा की एक टी शर्ट है और एक पैंट है। मैंने अभी नेल पेंट लगा रखा, मैं नहीं लगा सकती। बियान रात सो गया भैया मेरे को छोड़ के। वैसे तो ये हर बार ही सो रहा है, हमारा भैया तो रोता ही नहीं। वैसे भी तो गरम गरम दूध करवाया मैं, दूध पी लो पहले। यान और मायरा ना हर बार अपने मामी के पास सोते हैं। वैसे भी सही है, मतलब हम तो संभालते नहीं है बच्चों को यहाँ आने के बाद। काट दो बेटा, काट दो। वैसे भी इतने बच्चों को संभाल लेते बेचारी अकेली, है ना। मतलब बना के भी देना और सारी चीज करना, बच्चे भी अपने पीछे पीछे लगे रहेंगे मामी के। हाँ। बढ़िया है, हम दूध पी लें। मायरा खाना हो गया, विराट हो गया तेरा, मंगू मायरा। बढ़िया, इधर खाना खाना है, ये मेरा खाना है। मैं एक ही रोटी खाऊंगी भाई। नींद भी आ गई थी मुझे। सो शाम के टाइम हम खेत में आ गए और मम्मी उधर दूसरे वाले खेत में उतर गए, मतलब रोड पे। हम यहाँ पे क्या करने आए थे, दवाई, मतलब खेत में दवाई डालने के लिए। ये उधर मक्का बोरी है बेबी कॉर्न, तो उसमें मक्का में दवाई डलेगी। अभी मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा से। तो ये छोटी छोटी मक्का है, ये है छोटी छोटी मक्का। और मैं नीचे नहीं उतर के जाऊंगी। और जो आगे थोड़े दिख रहे हैं ना, वो गेहूँ है, अभी थोड़ा सा हरे हैं। वैसे तो गेहूँ कटने का सीज़न आने वाला, अप्रैल में तो हो ही जाती है कटाई और चालू। और ये वाले गेहूँ हैं, एंड इसमें आगे थोड़ा सा भिंडी बोरी है ना, भिंडी है ना वे। हाँ भिंडी है।
भिंडी जैसे लग रहे थे देखने में, तो भिंडी है दीदी। हाँ और ये जो नहीं जो नहीं जो ही। हाँ जो भी है पता नहीं हमें तो भाई, हमने तो नीचे खोद के देखा नहीं है फिलहाल तो। तो अभी भाई वहाँ पे गया दवाई देने के लिए, मम्मी वहाँ पे जो है वो नियार काट रही है भैंसों का, गाय के लिए चारा। और ये लोग ना मतलब मैं वैसे नहीं बनाती, मुझे वैसे भी मन नहीं करता बनाने का, पर जैसे भी मैं आती हूँ ना तो कुछ एक लोग हैं ऐसे जुड़े हुए जिनको सच में ही खेत देखने होते हैं और सच में गांव जैसा देखना होता है, तो गांव का जीवन कैसा होता है क्या होता है, तो वो थोड़ा थोड़ा मैं दिखाती हूँ। बाकी तो मैं इतना नहीं बनाती क्योंकि आके इतने लेजी हो जाते हैं, सारे दिन लेटे रहो पड़े रहो। बाल भी मैं बांध के नहीं आई हूँ, बाल भी खुले हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता। और थोड़ी देर के बाद ऐसे लगता है कि बोर हो गए हैं, फिर थोड़ी देर के बाद सो जाते हैं। आज ना सुबह से मैं 3 बार सोई हूँ, उठी थी पहले मैं 7 बजे, और 7 बजे के बाद अच्छा ये हंस के दिखा रही है जैसे ये सोई नहीं मेरे साथ में, देखो मैं अभी तो सोऊंगी ना है ना। मैं फिर सो गई 11 बजे, फिर ये मेरे मुंह पर बैठ के बातें कर रही थी तो मेरी आंखें खुल गई ठीक है। और फिर मैं सोई 2 बजे एक बारी, तो 2 बजे नहीं मुझे अच्छी सी नींद आई, तो उसके बाद फिर मम्मी चाय लेके आई, चाय पी के फिर मैं सो गई और अभी अभी उठ के आई। हमें तो सच में नींद भी आती है यहाँ आने के बाद, यहाँ पे ना सुकून की नींद मिलती है। हाँ यहाँ सुकून होता है ना, ना कुछ करना है, ना टेंशन है, ना बच्चे आने ना जाने है, ना किसी का खाना है, ना लंच है, ना रोटी, ना झाड़ू, ना पोछा, कुछ भी नहीं। बच्चों को भी तो माई जो, और बच्चों को तो उल्टा, बच्चों को तो हम याद भी नहीं है बिल्कुल नहीं। रात हमारे पास सोए ठीक है, और दिन में भी अपनी मामी के पास सो गए, मतलब खाना वाना खाया काम किया उसने, वो दिन में लेट गई उनको लेके, 5 बच्चे सो गए उसके पास। तो ये वाला जीवन है, बस यहाँ आना होता है, बच्चे आते नहीं है बस हमारे भी ना, लेकिन एक बार उनको छोड़ दिया जाए ना तो वो रह लेते हैं। तो वहाँ पे ना ये इसमें स्प्रे का काम हो रहा है, इसमें स्प्रे मतलब वो हम जैसे हम करते हैं ना मच्छरों वाली, तो इसमें कीड़ा लगने वाली स्प्रे हो रही है, तो इसमें दवाई मिला रखी है, पीछे टंकी लगी हुई है। और जब ये भैया पास में आएंगे ना तब मैं आपको दिखाऊँगी। और ये देखो एक बार सूरज कितना अच्छा लग रहा है, मतलब कैमरे में नहीं आ रहा है ऐसा, लेकिन ये सच में ही अच्छा लग रहा है, और इसीलिए ना गांव में आके इसलिए ही अच्छा लगता है। सामने पड़ा है ना तो सूरज तो मैंने दिखाई दिया चलो आपको, और इसीलिए गांव में थोड़ा सा मन लगता है, खुली हवा और यहाँ का पानी, पानी भी यहाँ का अच्छा है, और क्या कह सकते हैं, वैसे सबका ही होता है जब गांव में रह रहे होते हैं ना तो उनको लगता है कि शहर वालों का जीवन अच्छा है, तो शहर में चले जाते हैं। जैसे अभी हम लोग चले गए हैं, मुझे 10 साल हो गए हैं वहाँ की, मैं एक एक चीज़ से ना बोर हो गई हूँ, पक गई हूँ। हम चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा मतलब कि जैसे सारी चीज़ें पैकेट की, सारी चीज़ें पैकिंग की, सब चीज़ें मिलावट, प्रदूषण इतना ज़्यादा। हाँ पॉल्यूशन तो है ही है वहाँ पर इतना ज़्यादा, तो इस तरीके से जब वो भैया पास में आएंगे ना तब दिखाऊंगी आपको। अच्छा एक यहाँ पे ना कोई और भी स्प्रे कर रहे हैं, मैं ना कैमरा जूम करके दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको, वो मतलब बहुत छोटा सा दिख रहा है ये वाला, और ये क्या है, ये जो मशीन है ना ये मैनुअली है, हाथ वाली है, वो हाथ से अपना थोड़ा थोड़ा घुमा रहे हैं और तब लगा रहे हैं। और किसी किसी पेड़ पे ना मतलब बिल्कुल दवाई बिल्कुल ही डालनी होती है ना, ऐसे ही होता होगा ना, तो इसीलिए हाथ वाली चीज़ें होती है, बहुत अच्छे से दवाई का। हाँ ये वाला, और ये जो अभी हमारे खेत में काम हो रहा है ये है दवाई को जल्दी जल्दी और मोटा मोटा उड़ाने वाली कोशिश होती है ये, तो उसमें अभी पानी भर रहे हैं अपने जो उनका टैंक है और उसमें दवाई डालेंगे, तो ये जल्दी जल्दी से उड़ जाती है दवाई, कहीं पे लगती है कहीं पे नहीं लगती है। लेकिन वो जो है उसमें एक एक पेड़ पे एक एक पौधे पे दवाई लगानी होती है, क्योंकि अभी कीड़े वाला सिस्टम ज़्यादा, कीड़े वाला सिस्टम ये वाला सीज़न है ना जो वो कीड़े वाला ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि अभी गेहूँ कटने का सीज़न आएगा, जो गेहूँ सूखे सूखे हैं ना, जो गेहूँ के अंदर सारे कीड़े होंगे ना वो सारे कीड़े हैं, मतलब निकल के सभी फसल में, हाँ सारी जो है जितनी भी ये फसल है ना उनमें चले जाते हैं,
उनमें बैठेंगे, बाकी तो हमारे घरों में भी पहुँच जाते हैं। जब यहाँ से निहार जाता है ना तो छोटे छोटे कीड़े ना घर पर भी पहुँच जाते हैं, लेकिन हम लोग डरते नहीं हैं उन कीड़ों से। हम तो खेले ही हैं उन कीड़ों के साथ। एक छोटा सा कीड़ा होता है ना, वो चलता है ऐसे, ठीक है। वो कीड़ों का कलर भी है ना फसल के हिसाब से चेंज हो जाता है। जब ग्रीन होती है ग्रीन, और अभी जैसे सूखने वाली है ना, तो कीड़े ग्रीन से ना वैसे कलर के हो जाते हैं। कौन सा कलर होता है बताना? रेड नहीं, रेड नहीं होता, वो सूखा सूखा स्किन कलर होता है। जो चीज़ सूखे का होता है ना, जैसे घास सूख जाती है, वही कलर उनका हो जाता है। अब पता नहीं वो कलर गिरगिट वाले तो कीड़े नहीं, गिरगिट वाले तो नहीं है वो। खेत में से पहुंचे हैं अभी, और ये नमूने इधर लगे हैं सारे, सारे खाना खा रहे हैं बैठ के। आलू के पराठे देना वन बाइट मुझे, पीछे डालो। दे दो भाई, लाओ। ले लिया बेटा, ले लिया। दे दो पराठे हैं भाई, पराठे।